हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज आपके सामने खड़ा हुआ है 2024 लेटेस्ट मॉडल यामा M1015 वर्जन 2.0 ड्यूएल चैनल ABS E20 वाला वेरिएंट आज आपके सामने खड़ा हुआ है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ यामा M1015 की 2024 लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस कितनी है, क्या अपडेट आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, इस बाइक की टॉप स्पीड एंड माइलेज के बारे में आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच करिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक की ऑन रोड प्राइस की। तो 2,14,000 रुपये की आपको बाइक ऑन रोड मिल जाती है जयपुर सिटी के अंदर। अभी के टाइम पे अपडेट की बात करूं तो E20 का अपडेट आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है, कुछ इस तरह की आपको इस बाइक की मिल जाती है जिसके ऊपर आपको यामा की ब्रांडिंग मिल जाती है। चलिए करते हैं इस बाइक के इग्निशन को ऑन और देखते हैं फ्रंट में आपको क्या कुछ फीचर्स मिलने वाले। जैसे ही आप इस बाइक के इग्निशन को ऑन करते हो तो इसके फ्रंट में आपको जो आई शेप की लाइट देखने को मिलती है, लाइट है ये ऑन हो जाती है। इंजन स्टार्ट होते ही इस बाइक की जो LED प्रोजेक्टर हेडलाइट है ये ऑन हो जाती है। तो फुली रोबोटिक प्रोफाइल के साथ में आपको बाइक मिल जाती है। अब बात लेते हैं इस बाइक के फ्रंट सस्पेंशन की। तो इसके फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोर्क अपसाइड डाउन 37mm डायमीटर के सस्पेंशन मिल जाते हैं। सस्पेंशन के ऊपर आपको गोल्डन फिनिशिंग का वर्क मिल जाता है। गोल्डन कलर के सस्पेंशन आपको इस बाइक की फ्रंट प्रोफाइल के अंदर मिल जाते हैं। इस बाइक के अंदर आपको ड्यूएल चैनल ABS मिल जाता है। इसके फ्रंट में आपको 282mm की डिस्क मिल जाती है। बैबरी के कैलिबर आपको इस बाइक की फ्रंट प्रोफाइल के अंदर मिल जाते हैं। इस बाइक के जो आपको अलॉय का कलर है वो आपको ऑरेंज कलर फिनिशिंग के साथ में मिल जाता है, जिससे इस बाइक का लुक काफी प्यारा निकल जाता है। इसके फ्रंट में आपको 17 इंच के ट्यूबलेस टायर आपको इस बाइक की फ्रंट प्रोफाइल के अंदर मिलने वाले हैं। अब बात लेते हैं इस बाइक की साइड प्रोफाइल की। तो साइड में आपको यामा का लोगो मिल जाता है, जो कि आपको 3D में मिलने वाला है कुछ इस तरीके का। ड्यूअल टोन कलर फिनिशिंग के साथ में आपको बाइक मिल जाती है। साइड में आपको M1015 का स्टिकर मिल जाता है। इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूं तो 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इस बाइक की मिल जाती है। एंड इस बाइक के जो पैनल है साइड के वो आपको फायर बॉडी पार्ट के साथ में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के स्टिकर मिल जाते हैं। E20 का अपडेट आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है। आने वाले टाइम में आप इस बाइक को इथेनॉल पेट्रोल से भी चला सकते हो। अब बात लेते हैं इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो इसके अंदर आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। आपको RPM ग्राफ, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, लो बैटरी वार्निंग, चेक इंजन लाइट, ABS लाइट, न्यूट्रल लाइट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। इस बाइक की टॉप स्पीड की बात करूं तो 130 किलोमीटर पर आवर्स की टॉप स्पीड आपको इस बाइक की मिल जाती है। साइड में आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाता है, टैकोमीटर, फ्यूल गेज, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ, इंजन किल स्विच एंड ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है। इस बाइक के अंदर आपको डिजिटल क्लॉक का भी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी फीचर्स आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है। साइड में आपको इस बाइक के अंदर सिंगल हॉर्न सुनने को मिलता है कुछ इस तरीके का। दूसरी तरफ आपको इस बाइक के अंदर इंजन किल स्विच मिल जाता है। तो एक बार मैं आपको इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। इस तरीके का स्पोर्टी एग्जॉस्ट नोट आपको इस बाइक का सुनने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन की। तो इसके अंदर आपको 155 सीसी का लिक्विड कूल 4-वाल्व इंजन आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है, जो 18.4 BHP की पावर जनरेट करता है, 14.1 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ में आपको बाइक मिल जाती है। इस बाइक के माइलेज की बात करते हैं, बाइक आपको 15 KMPL तक का माइलेज इजीली निकाल कर दे देती है। अब बात लेते हैं इस बाइक के कर्वेट की। तो 141 kg का कर्वेट आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है। 170mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में आपको बाइक मिल जाती है। सिंगल सीट ऑप्शन के साथ में आपको बाइक मिलती है। इस बाइक के अंदर आपको स्प्लिट सीट का ऑप्शन नहीं मिलता। इस बाइक की सीट हाइट की बात करूं तो 810mm की सीट हाइट आपको इस बाइक की मिल जाती है। पिलियन के लिए एडजस्टेबल फुटरेस्ट आपको इस बाइक के अंदर मिल जाते हैं, जो कि आपको एल्युमिनियम फिनिशिंग के साथ में मिलने वाले हैं कुछ इस तरीके के। इसके रियर प्रोफाइल के अंदर आपको मोनोक्रॉस सस्पेंशन मिल जाते हैं। इसके रियर में आपको 220mm की डिस्क मिल जाते हैं। इसके रियर में आपको बैबरी की कैलिबर मिल जाते हैं। इसके रियर में टायर सेक्शन की बात करूं तो 140/70/17 इंच के ट्यूबलेस टायर आपको इस बाइक की रियर प्रोफाइल के अंदर मिलने वाले हैं। रियर में आपको इस बाइक के अंदर टायर अगर भी मिल जाता है। इसकी बैक प्रोफाइल के अंदर आपको 2-पीस ग्रेवरेल मिलने वाले हैं कुछ इस तरीके के। LED टेलेट आपको इस बाइक की रियर प्रोफाइल के अंदर मिल जाते हैं। रियर प्रोफाइल के अंदर भी आपको LED इंडिकेटर इस बाइक के अंदर मिल जाता है, जो कि आपको नॉन फ्लेक्सिबल मिलने वाले हैं। साइड में आपको दोनों तरफ इस बाइक के अंदर रिफ्लेक्टर मिल जाता है, जो नाइट वगैरह के लिए काफी अच्छा फीचर्स मिल जाता है। तो दोस्तों, ये था 2024 लेटेस्ट मॉडल यामा M1015 ड्यूएल चैनल ABS वर्जन 2.0 का एक स्मॉल रिव्यू। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही बाइक रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहे।